अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, और उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। ओके बच्चों, अब हम लोगों ने अपने उर्दू की वर्कशीट का काम करना है, ठीक है। उर्दू का जो आपको छुट्टियों का काम मिला है हमने अब वो करना, ओके। तो इसके लिए आप लोग अपने वर्कशीट का पेज नंबर 1 ओपन करें, ठीक है। ये पेज ओपन करें आप लोग भी, और अब हम देखते हैं कि इस पेज पे हमने क्या करना है, ठीक है। लिखें और अलिफ से शुरू होने वाली तस्वीर में रंग भरें, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है, और जो अलिफ से तस्वीरें शुरू होती हैं उसमें हमने रंग भरना है। अलिफ की आवाज़ क्या है? अ, ओके, अ, अ। यहाँ पे कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं, जैसे अखबार, बिल्ली, अंगूर, लेकिन हमने उन तस्वीरों में रंग भरना है, उन तस्वीरों में कलर करने हैं जो अलिफ से शुरू होती हैं, जिनकी आवाज़ अलिफ से शुरू होती है, अ से शुरू होती है। जैसे अ अखबार, तो आपने अखबार में कलर करने हैं, ठीक है, रंग भरने हैं। और नीचे यहाँ पे ये देखें, होलो शेप नज़र आ रही है ना सबको, इस होलो शेप के अंदर हम लोगों ने अलिफ लिखना है, अ लिखना है, ओके। तो इसके लिए हम लोग अपनी पेंसिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पेंसिल कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्रेयॉन कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने अपनी पेंसिल जो है इस डॉट के ऊपर रखनी है, और हमने एरो की जो है वो इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करना है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, लाइक हेयर, ओके। आप इसके लिए पेंसिल कलर क्रेयॉन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह आप लोगों ने ये अपनी होलो शेप कंप्लीट करनी है, ठीक है। अलिफ की आवाज़ की होलो शेप कंप्लीट करनी है, और उसके बाद ये डॉट्स पे ट्रेसिंग करनी है, और उसके बाद ये देखें यहाँ पे सिर्फ आपको एक एरो नज़र आ रहा है। इस एरो का मतलब है कि आपने यहाँ पे खुद अलिफ लिखना है, ठीक है। तो आपने एक डॉट ऊपर लगा हुआ है, और एक डॉट मम्मा आपको इधर इस लाइन पे नीचे लगा के देंगी, ठीक है, नज़र आ रहा है ना सबको, ओके। तो हमने इस डॉट के ऊपर पेंसिल रखनी है, और हमने एरो डायरेक्शन को फॉलो करना है, लाइक दिस, ओके। तो आप लोगों ने ये अपना पूरा पेज कंप्लीट करना है, और एक बात बहुत ज़रूरी जो आपने याद रखनी है कि राइटिंग आप लोगों की बहुत अच्छी हो, ठीक है। अपनी वर्कशीट को नीट रखना है, गंदा नहीं करना, बिला वजह आप लोगों ने कलर नहीं करने इधर उधर, जो बस काम लिखा हुआ है आपने वही करना है। और जो रंग भरने आप लोगों ने, आपने ये बात ध्यान रखनी, याद रखनी है कि जो जब आप रंग भरेंगे तो रंग बाहर ना निकले तस्वीर से, ठीक है। जिस तस्वीर में भी आपने रंग भरना है तो उसमें से बाहर ना निकले, तस्वीर के अंदर अंदर ही रंग भरने हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों को हमने क्लास में सिखाया हो ना वैसे, ओके। अल्लाह हाफिज़।